Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MBA aspirants जो कि 2024 and 2025 में multiple MBA entrances को target कर रहे हैं. 2024 की अगर हम बात करें, so we have NMAT, then we have CAT, the biggest exam of the year, or then we have SNAP, and then we have MAT. तो ये चार बड़े एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास इन द ईयर 2024. और अगर 25 की मैं बात करूँ, देन वी आर स्टार्टिंग विथ ZAT, उसके बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र CET, देन यू हैव CMAT, एंड अगेन MAT. जैसे कि आपको पता है साल भर में आप चार अटेम्प्ट दे सकते हो उसके, एंड देन यू हैव CUET PG फॉर वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. सो MBA ऑन द होल एक बहुत ही बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर मल्टीपल एग्जामिनेशंस के साथ आप टॉप IIMs और टॉप B स्कूल्स टारगेट कर सकते हो. अगर आपने CAT लिखना है तो आपको टॉप IIMs को अपने टारगेट में रखना पड़ेगा, सच एज IIM ABC. अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स लिख रहे हो या आप CAT के थ्रू IIMs को नहीं टारगेट करके कोई दूसरे B स्कूल्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अगेन हमेशा से टॉप 5, टॉप 10 B स्कूल्स को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए. ना ही सिर्फ CAT की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम लिख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप MAT लिख रहे हो, ZAT लिख रहे हो, CMAT लिख रहे हो, या फिर CUET PG क्यों ना लिख रहे हो, तो हमेशा से आपको टॉप कॉलेजेस को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए. तो ये वीडियो उन सारे MBA एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा MBA एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, एंड दैट टू सेल्फ स्टडी के थ्रू. अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को आपको रेफ़र करना चाहिए, सो दैट अगर आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले. मैन्यूअर MBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा आपका सिलेबस. नाउ गिवन दैट वी हैव सो मैनी एंट्रेंस एग्जाम्स अंडर वन अम्ब्रेला विच इज़ नोन एज MBA, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर एक एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है, हर एक एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस आपको कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलेगा. अगर मैं CAT की बात करूं, इसका सिलेबस आपको अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज OMAT, इनसे काफ़ी अलग देखने को मिलता है. अगर मैं सिर्फ OMAT की बात करूं, तो इसमें कुछ कुछ सेक्शन है जो आपको CAT में देखने को नहीं मिलते, कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपको OMAT के दूसरे एग्ज़ाम्स में भी देखने को नहीं मिलते. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरी MBA एग्ज़ाम इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी. आप सेम अप्रोच के साथ CAT और फिर सेम अप्रोच के साथ CET नहीं क्रैक कर सकते. तो आपको सबसे पहली बात आपका सिलेबस समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या कर रहा है, एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की क्या आपसे डिमांड कर रही है. CAT की डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली आपको थोड़ी टफ देखने को मिलेगी. इफ़ यू टॉक अबाउट ZAT, वो तो आपको CAT से भी ज़्यादा टफ देखने को मिलता है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र CET, तो वो आपको एक मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलता है. सेम गोज विथ CUET PG एस वेल, वो भी आपको एक मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलता है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चार MBA के एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, और चारों में ही आपको डिफ़िकल्टी लेवल अलग देखने को मिल रही है. उसके बाद एक प्रॉपर स्टडी मटीरियल कलेक्ट करो. आपने सिलेबस समझ लिया, अब चाहिए आपको राइट रिसोर्सेज. मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको हज़ारों बुक मिल जाएगी, जो एक ही बुक होगी सारे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए. बट क्योंकि आपको अभी सिलेबस समझ में आ चुका है, तो आप एक बुक से काम नहीं चला सकते. आपको चाहिए हर एक एग्ज़ाम्स के लिए अलग बुक्स जो कि राइट टू द पॉइंट हो, उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हो और वही पर्टिकुलर सेक्शंस कवर कर रहे हो जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं. अब अगर आप सिंगल बुक मार्केट से उठाकर लेकर आ जाओगे, उसमें बहुत सारा डेटा होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है. कई कबार ऐसा हो जाता है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो जाओगे या फिर आप ओवर प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम में चले जाओगे. दोनों ही सिनेरियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना. राइट स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस करना, सो दैट आपका जो भी पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, उसी को वो पर्पस सर्व करे.
उसके बाद आपने स्टडी मटेरियल्स भी गैदर कर लिया, अब आपको बनाना है एक स्टडी शेड्यूल। टाइम टेबल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बना तो लेते हैं बट फॉलो नहीं करते। फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करने वाले हो, कौन से दिन पर कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हो। अगर मैं कैट की बात करूँ, इसके लिए आपको एटलीस्ट 7 to 8 hours डिवोट करने पड़ेंगे। अगर मैं CET की बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 hours पर डे डिवोट करने पड़ेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने आज डिवोट कर सकते हो और कौन से एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ मगअप करके काम नहीं चलेगा, रोट लर्निंग करके काम नहीं चलने वाला, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आप रोट लर्निंग करोगे ना ही आप कैट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और ना ही आप दूसरे एंट्रेंसेस में भी परफॉर्म कर पाओगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। व्हेन आई सेड प्रैक्टिस I mean मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर लिखना है और जो भी आपने पढ़ा है उसकी डेली एक रिवीजन तो होनी चाहिए। उसके बाद अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। लाइक आई सेड कि प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की होगी, नहीं किए कोई बात नहीं, एक मॉक टेस्ट लिखो एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब आप बोलोगे बिना प्रिपरेशन स्टार्ट किए मॉक टेस्ट कैसे लिखें, स्कोर तो बिल्कुल नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा। तो क्या आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे ये समझने में कि आपकी स्ट्रांग जोन्स कौन से, आपके वीक जोन्स कौन से? आपको पता चल जाएगा मॉक लिख कर, आप नेक्स्ट डे से उसी चीज़ पर काम करने लग जाओगे एंड ग्रेजुअली आपके मॉक्स में स्कोर इंक्रीज़ होंगे। ऐसा नहीं है आप 4-5 मॉक्स लिखोगे तो आपके डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज़ होंगे और वो आप चेंजेस देख भी सकते हो। एंड रिवीजन, लाइक आई सेड, अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो तो आपकी रिवीजन होनी चाहिए। एक हैबिट बना लो, एक डिसिप्लिन बना लो कि आपको डेली सोने से पहले, वीकली जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है और मंथली जितना भी आप पूरे मंथ में सिलेबस कवर कर रहे हो उन सारी चीज़ों का रिवीजन होना चाहिए एंड स्टे अपडेटेड। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको GK देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं भी है। फॉर एग्जांपल कैट में आपको GK नहीं मिलता, बट यस आपको ZAT में GK देखने को मिलता है, आपको CMAT में GK देखने को मिलता है। तो आपको GK पर भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि GK बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है। आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना आपके लिए सफिशेंट है एग्ज़ाम के लिए, कितना नहीं है। तो GK आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों पर ही अच्छी खासी पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपकी हैबिट नहीं है तो हैबिट बना लो, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका GK भी अच्छा होगा, आपके वोकैब भी अच्छे होंगे, बल्कि आगे जाके आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाला है। आप MBA करने वाले हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके वोकैब ग्रामर में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी बात कि आप कैसे सेल्फ स्टडी के लिए अप्रोच रखोगे, कैसे रिसोर्सेज को आप टारगेट करोगे। अब इन सारे रिसोर्सेज को आप एक्सेस कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑल राइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, यहाँ पर MBA एंट्रेंस पर आ जाओ, यहाँ पर फुल कोर्स को चेकआउट कर लो। तो आपको सबसे पहला टैब चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलते हैं आपको 590 वीडियो लेक्चर्स और 102 हैंडआउट्स। अगर आप सिर्फ कैट लिख रहे हो तो आपको इस वाले टैब को चेकआउट करना है, इसमें मिलता है 276 वीडियो लेक्चर्स, 42 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। अगर आप सिर्फ नॉन कैट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको थर्ड टैब चेकआउट करना है, इसमें मिलेंगे आपको 577 वीडियो लेक्चर्स, 102 हैंडआउट्स। अगर आप MBA, CET और CMAT लिख रहे हो प्लस CUT लिख रहे हो तो आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है, जिसके अंदर आपका COQP 12 पेपर कोड कवर होने वाला है। इसके अंदर मिलेंगे आपको 565 वीडियो लेक्चर्स, 102 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट। अगर आप सिर्फ MBA, CET लिख रहे हो महाराष्ट्र स्टेट के लिए तो आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलेंगे आपको 437 वीडियो लेक्चर्स, 58 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। अगर आप CUET PG के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हो तो आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है, इसमें मिलते हैं 424 वीडियो लेक्चर्स, 61 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट। स्क्रॉल डाउन कर लो, अगर आप NMAT के लिए जा रहे हो NMIMS तो ये वाला टैब चेकआउट कर लो, 371 वीडियो लेक्चर्स, 59 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। स्नैप फॉर सिम्बोसिस, यहाँ पर मिलेंगे आपको 488 वीडियो लेक्चर्स, 59 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। CMAT लिख रहे हो तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 594 वीडियो लेक्चर्स, 104 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। ZAT फॉर XLRI जमशेदपुर, यहाँ पर मिलते हैं आपको 604 वीडियो लेक्चर्स, 102 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। MAT
तो इसके अंदर मिलते हैं आपको 550 वीडियो लेक्चर, 99 हैंडआउट्स, 5 मॉक टेस्ट। और अगर आप दिसंबर वाला अटैम्प्ट लिख रहे हो तो इसके अंदर मिलते हैं 550 वीडियो लेक्चर्स, 99 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज, यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कॉन्स, DIDS NDC, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स, अगर आप CMAT लिख रहे हो तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इफ़ यू गो बैक, बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो। नॉन कैट बुक्स के लिए पहला वाला टैब चेकआउट कर लो, इसमें मैंने कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। MBA CET के लिए ये वाला टैब चेकआउट कर लो। NMAT के लिए आपको ये वाला टैब चेकआउट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लो। ई बुक्स के लिए आपको ये दो टैब चेकआउट कर लेने। इफ़ यू गो बैक, मॉक टेस्ट आप चेकआउट कर लो। तो अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना चाहते हो, यहाँ पर मिलते हैं आपको 150 मॉक टेस्ट। और अगर आप मैट इस साल का अटैम्प्ट देना चाहते हो तो आपके पास ये वाला पर्टिकुलर टैब है, तो इसमें मिलते हैं आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, दोज़ हू वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। इफ यू आर इन मुंबई, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, थाने, बोरीवली, दादर एंड अंधेरी, वेफाई सेंटर्स इन मुंबई। इफ यू आर नॉट इन मुंबई, स्टिल वॉन्ट टू जॉइन अस लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए पैन इंडिया लेवल पर, यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8285814455 या फिर 54। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।